श्री विष्णु पुराण नवा अध्याय ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का वर्णन। और वह बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेदा अध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन कर सावधानता पूर्वक गुरु ग्रह में निवास करे। वहां रहकर उसे शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए तथा व्रतादि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेदा अध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातः काल और सायंकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर भगवान सूर्य और अग्नि की उपासना करें तथा गुरु का अभिवादन करें। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे चलने लगे तथा बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण ना करें। गुरुजी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेदाध्ययन करें और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षा अन्न भोजन करें। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करें तथा प्रतिदिन प्रातः काल गुरुजी के लिए समिधा जल कुश और पुष्प आदि लाकर जुटा दें। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरुजी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। हे राजन, फिर विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर अपनी वर्णकूल व्रति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्य अनुसार समस्त ग्रह कार्य करता रहे। पिंड दान आदि से पितृगण की, यज्ञादि से देवताओं की, अन्नदान से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की, बलियों अर्थात अन्नभाग से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तम उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षाव्रति से ही रहने वाले परिव्राजक और ब्रह्मचारी आदि हैं, उनका आश्रय भी गृहस्थाश्रम ही है। अतः यह सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण वेदाध्ययन तीर्थ स्नान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित ग्रह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जो जहाँ सायंकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं, उन सबका आधार और मूल गृहस्थाश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवे तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा शय्या आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करें। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वह अतिथि उसके पुण्य कर्मों को सीम ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतया पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अति उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थ उचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंप कर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहाँ पत्र मूल फल आदि का आहार करता हुआ लोभ शंशु दाढ़ी मूछ और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करें और मुनि व्रती का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथि की सेवा करें। उसे चर्म काश और कुशाओं से अपना बिछौना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन होम सब अतिथियों का सत्कार भिक्षा और बलि वैश्वदेव भी उसके विहित कर्म है। हे राजन, वन्य तेल आदि को शरीर में मलना और शीतोष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है, वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नृप, पंडित गण जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं,
अब मैं उसका स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे नरेंद्र, तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा मात्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करें। हे पृथ्वीपति, भिक्षु को उचित है कि अर्थ धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्र आदि में समान भाव रखे और सभी जीवों का सुहृद हो। निरंतर समाहित रहकर जरायुज, अंडज और स्वेदज आदि समस्त जीवों में मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह न करें तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दें। ग्राम में एक रात और पुर में 5 रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष न हो। ये समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों से भिक्षा के लिए जाएं। परिवारजक को चाहिए कि काम क्रोध तथा दर्प लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है उसको भी किसी से कभी कोई भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राण आदि सहित जठरा अग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में भिक्षा अनुरूप हवि से हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोगों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म से भिन्न सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसे बुद्धि योग से युक्त होकर यथा बुद्धि आचरण करता हुआ इस मोक्षाश्रम का पवित्रता और सुख पूर्वक आचरण करता है, वह निरिंधन अग्नि के समान शांत हो जाता है और अंत में ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3वें अंश में 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।